नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर 24 न्यूज। मैं हूं विमल। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते बरगी एवं तवा बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने से ग्रामवासियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी नागरिकों से बाढ़ प्रभावित तथा जल भराव वाले संभावित निचले स्थानों से सुरक्षित ऊंचे स्थानों की ओर जाने की अपील की है। कलेक्टर श्री ठाकुर ने जिला प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगामी समय में बाढ़ प्रभावित एवं जल भराव वाले गांवों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। साथ ही चंद्रमोहन ठाकुर ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि लगातार हो रही वर्षा के कारण जिन पुल पुलियों रपटों के ऊपर पानी बह रहा हो उन्हें पार ना करें। उन्होंने नागरिकों से यह भी अपील की है कि बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा उन मार्गों से न जाएं जिन मार्गों की नदी नालों पर बने पुलों पर पानी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है। आवश्यक होने पर ही आवागमन के लिए सुरक्षित मार्गों का उपयोग करें। हमारी वो भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही। आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज। नमस्कार।